अस्सलाम वालेकुम। क्लास सिक्स का जो है टू लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर टॉपिक टिशू। हम आज डिस्कस करेंगे टिशू। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ पार्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड अ टिशू। टिशू क्या होते हैं? टिशू जो होते हैं वो सिमिलर ग्रुप्स सिमिलर सेल्स का ग्रुप होते हैं। इनका ग्रो होता है जो परफॉर्म विच आर स्पेशलाइज्ड जो मखसूस ख़ास तौर पर उनका ग्रुप बनाया जाता है परफॉर्म करने के लिए पार्टिकुलर फंक्शन मखसूस फंक्शन को इज कॉल्ड टिशू। वेस्कुलर टिशू, वेस्कुलर टिशू फॉर एग्जाम्पल इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग फूड एंड वाटर इन द प्लांट्स। वेस्कुलर टिशूज किस लिए यूज़ होते हैं? वेस्कुलर टिशूज का यूज़ यह है कि वो ट्रांसपोर्ट करते हैं खुराक को और पानी को प्लांट्स के अंदर। मसल टिशू, मसल टिशू इज यूज्ड फॉर मूवमेंट इन एनिमल। मसल टिशू जो होते हैं वो हरकत करने में मदद करते हैं जानवरों में। ऑर्गन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिशूज ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन। मुख्तलिफ किस्म के टिशूज जो होते हैं, मुख्तलिफ टाइप्स की टिशूज जो होते हैं वो ग्रुप के सर्कल में इकट्ठे होते हैं और एक ऑर्गन बनाते हैं जिसे अज़ू कहते हैं और हिस्सा भी कहते हैं। ऑर्गन इज स्पेशलाइज टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इन द बॉडी। ऑर्गन जो होता है वो स्पेशलाइज होता है, ख़ास फंक्शन परफॉर्म करता है बॉडी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हार्ट इज एन ऑर्गन विच पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मिसाल के तौर पर दिल जो है वो एक ऑर्गन है और ये पंप करता है और हम हमारे जिस्म में खून को पंप करता है जिस्म के दूसरे पार्ट्स की तरफ ले जाता है। द लीफ ऑफ अ प्लांट इज एन ऑर्गन फॉर मैन्युफैक्चरिंग फूड बाय फोटोसिंथेसिस। पत्ते का जो पौधे का जो पत्ता होता है वो एक ऑर्गन है और ये खुराक बनाने में मदद देता है फोटोसिंथेसिस की मदद से। ऑर्गन सिस्टम, द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वैरायटी ऑफ सिस्टम। लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा जानदारों की जो बॉडीज होते हैं मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम से मिलकर बनी होती हैं। ऑल दिस सिस्टम परफॉर्म इम्पॉर्टेंट फंक्शन विदाउट विच द बॉडी वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव। तमाम निज़ाम जो होते हैं वो सब बहुत अहम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अगर जो फंक्शन परफॉर्म ना किए जाएँ तो बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती, जिंदा नहीं रह सकती। सिस्टम्स आर मेड अप ऑफ मेनी ऑर्गन्स विच वर्क टुगेदर। सिस्टम जो होते हैं, निज़ाम जो होते हैं बहुत से ऑर्गन्स मिलकर बने होते हैं और मिलकर काम करते हैं। ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम इन प्लांट्स, इन मल्टी सेलुलर प्लांट्स मटीरियल आर सर्कुलेटेड इन अ सिस्टम ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड द वेस्कुलर सिस्टम्स। प्लांट्स सेलुलर प्लांट्स जो होते हैं ना मटीरियल्स सर्कुलेट करता है ट्यूब्स के अंदर एंड इनको कहते हैं वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम ऑफ प्लांट इज कम्पोज ऑफ स्पेशलाइज टिशू। पौधे का जो वेस्कुलर सिस्टम होता है वो खास किस्म के टिशू से मिलकर बना होता है। उनको कार्ड जैलम एंड फ्लोएम, उनको जैलम एंड फ्लोएम कहते हैं। जैलम इज मेड अप ऑफ लॉन्ग डेड सेल्स कार्ड वेसल्स। जैलम जो होते हैं वो लंबे होते हैं और मुर्दा सेल्स से मिलकर बने होते हैं, उनको वेसल्स कहते हैं। वेसल्स थिक वाल वेसल्स जो होते हैं उनकी मोटी वाल होती है। दे कैरी वाटर फ्राम द रूट्स थ्रू द स्टेम टू द वेंस इन द लीव्स। वेसल जो होते हैं वो पानी को रूट्स से लेकर तने के ज़रिए तने से उतारते हुए पौधे के लीव्स तक ले आते हैं, वेंस तक ले आते हैं, रबों तक ले आते हैं, जिनको कहते हैं फ्लोएम। इज मेड अप ऑफ लॉन्ग थिन वॉल ट्यूब कॉल्ड सीड ट्यूब। और फ्लोएम जो होते हैं वो लंबे होते हैं और इनकी जो वाल होती है वो पतले, इनकी ट्यूब की जो वाल होती है वो पतले होते हैं, उनको सीव ट्यूब्स कहते हैं। सीव मीन जानवर। सीव ट्यूब्स आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स हूज हॉरिजॉन्टल वॉल्स हैव टिनी होल्स। सीव ट्यूब्स जो होती हैं वो जिंदे सेल से मिलकर बनी होती हैं और इनके छोटे छोटे होल्स होते हैं, सुराख होते हैं। फूड फ्लोस फ्राम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स थ्रू द सीव ट्यूब्स। खुराक जो होती है फ्लो करती है, गुजरती है पौधे के पत्तों से पौधे के दूसरे पार्ट्स की तरफ सीव ट्यूब्स के जरिए। वाटर इंटर्स थ्रू दी रूट। पानी जो होता है पौधे तक जड़ों के जरिए जाता है। द टीनी पार्ट्स ऑफ दी रूट दैट अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल आर कॉल्ड रूट हेयर्स। जड़ के जो छोटे पार्ट्स होते हैं हिस्से होते हैं वो पानी और नमकियात को जज्ब करते हैं, उनको कहते हैं रूट हेयर्स। बैरली कवरिंग एन इंच आर टू, मुश्किल से एक या दो इंच जितना कवर होते हैं, ढके होते हैं। रूट हेयर्स ग्रो एट द टिप ऑफ ईच रूट। हर रूट पर
हर रूट की टिप पर हेयर रूट हेयर्स ग्रो करते होंगे होते हैं। ईच रूट हेयर इज अ हॉलो ट्यूब विद थिन वॉल। हर रूट हेयर में जो होते हैं ना खाली ट्यूब होती है और उनकी वार पतली होती है। इट ग्रोज फ्रॉम अ सेल ऑन द साइड ऑफ द रूट। ग्रो करते हैं सेल से उगते हैं और आउटसाइड ऑफ द रूट मीन्स जमीन के ऊपर उगते हैं। रूट हेयर्स ग्रो बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स वेयर वाटर इज हेल्ड। रूट हेयर जो होते हैं वो ग्रो करते हैं उगते हैं जमीन के पार्टिकल्स के दरमियान जहाँ पे पानी होता है। एज वाटर इंटर्स द रूट हेयर्स पानी जब जड़ों में इंटर होता है प्रेशर इज बिल्ट अप प्रेशर बढ़ जाता है। दिस रूट प्रेशर हेल्प्स टू पुश वाटर अ शॉर्ट डिस्टेंस अप द स्टेम। ये प्रेशर जो होता है जड़ों में बढ़ जाता है और ये धकेलने में पानी को पहुंचाने में मदद करता है डिस्टेंस अप द स्टेम तने के छोटे से डिस्टेंस पर तने के जरिए। प्लांट्स लूज वाटर वेपर थ्रो एवेपोरेशन इनटू द एटमॉस्फेयर। पानी जो होता है वो प्लांट जो होते हैं वो पानी खारिज करते हैं बुखारात की सूरत में फिजा के अंदर। द वाटर पास थ्रो टीनी होल्स पानी जो होता है वो गुजरता है छोटे छोटे होल से कार्ड स्टोमेटा उनको स्टोमेटा कहते हैं विच आर फाउंड मेनली ऑन दी लोअर साइड ऑफ दी। स्टोमेटा जो होते हैं वो पत्ते के निचले हिस्से पर जो होल्स होते हैं उनको स्टोमेटा कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपेरेशन इस अमल को अमल तबखीर कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स टू लीव्स इज कॉल्ड द ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रीम। पानी की जो हरकत होती है जड़ों से पौधे के पत्तों तक उसको कहते हैं ट्रांसपेरेशन स्ट्रीम। इट अपीयर्स द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रीम। पानी की जो मूवमेंट होता है जड़ों से पत्तों तक उसको कहते हैं ट्रांसपेरेशन स्ट्रीम। इट अपीयर्स दैट वाटर इज पुल्ड बाय द जाइलम ट्यूब्स एज वाटर वेपर इज लॉस्ट फ्रॉम द लीव्स ड्यूरिंग द ट्रांसपेरेशन। ये वाजह होता है कि वाटर पुल्ड होता है जाइलम सेल्स ट्यूब्स के जरिए और वाटर वेपर जो होते हैं खारिज होते हैं पत्तों से ड्यूरिंग द ट्रांसपेरेशन हमने तबखीर के दौरान वाटर वेपर खरीद। दिस ट्रांसपेरेशन पूल इज द मेन वे इन विच वाटर इज ट्रांसपोर्टेड इन द प्लांट्स। ट्रांसपेरेशन पूल जो होता है हमने तबखीर का जो अमल होता है वो बहुत ज़रूरी होता है पौधे के अंदर। जब पानी ट्रांसपोर्ट होता है पौधे के अंदर तब बहुत ज़्यादा ज़रूरी ट्रांसपेरेशन हेल्प्स आप प्लांट टू कीप कूल इन समर। ट्रांसपेरेशन जो होता है वो मदद करता है हमने तबखीर के दौरान पौधे को मदद मिलती है गर्मियों के दौरान कूल रहने में। इसका नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी फोटोसिंथेसिस प्लांट नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। चैनल पर नहीं होते चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।